अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी प्यारे भाई, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा, आपको एक वाक्या बताता हूँ, आज ही हुआ मेरे साथ, 11 बज के तकरीबन 10-15 मिनट हुए, कुछ देर पहले सुबह के टाइम पे। आज तारीख है 21 अक्टूबर। मैं आ रहा था रोड से, किंग अब्दुल अजीज रोड से, तो वहाँ पे एक गाड़ी हुंडई टुस्कन थी, उसमें 3 लड़के बैठे हुए थे, काफ़ी हंसते कटे थे, बॉडी बिल्डर जैसे थे, हाथों पर उन्होंने ग्लव्स भी पहने हुए थे। तो मुझे अचानक से मेरे सामने गाड़ी ला के बोलते हैं, गाड़ी रुको यहाँ पर, वक्फ, यानी वक्फ का मतलब होता है रुक जाओ। तो मैं रुका, मैंने कहा क्या हुआ? तो जैसे वो गाड़ी में से बाहर आने लगे, मुझे लगा ये हरामी है, लड़ाई वगैरह करेंगे, मोबाइल छीनेंगे, भाग जाएंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने गाड़ी भागा दी, उन्होंने पीछे से मेरा बैग पकड़ के खींचा, लेकिन मैं गाड़ी में निकाली, मोटरसाइकिल निकाली वहाँ से। वो मेरे पीछे पीछे सिग्नल पर आ गए, इसी रोड की बात कर रहा हूँ मैं, इसी रोड पर वो आए, इस रोड पर वो मेरे पास आए यहाँ से, ठीक है। अच्छा, वो मेरे पीछे पीछे आ गए उस तरफ से, तो मैंने गाड़ी भगा दी। जब सिग्नल पे मैं रुका तो वो पीछे सिग्नल पे आ गए, सिग्नल कुदरती तौर पे बंद हो गया, अचानक सिग्नल बंद हो गया, मुझे रुकना पड़ा। जब मैं सिग्नल पे रुका तो वो वहाँ भी पीछे आ गए, तो उनमें से एक बंदा गाड़ी में से निकला, पीछे में से, यानी कि उसका मकसद था कि आगे मुझे पकड़ते और मेरा मोबाइल वगैरह छीनते। तो मैंने सिग्नल तोड़ दिया, हालांकि कैमरा वगैरह नहीं था सिग्नल पे, लेकिन मैंने सिग्नल तोड़ दिया, मैं निकला है वहाँ से। मैं गाड़ी भगाई जैसे, तो वो उन लोगों ने मेरे पीछे गाड़ी भगा दी, गाड़ी भगा के वो मेरे पीछे पीछे फिर यहाँ इस रोड से वो आया। मैं दिखाता हूँ आपको, उस तरफ रोड के दूसरी तरफ से वो आ रहे हैं, इस तरफ आए वो, इधर आके यू टर्न करके, तो उन्होंने तकरीबन मुझे इस जगह पे रोका, इस जगह पे, इस कोने पे मुझे उन्होंने रोक लिया। तो मैंने जैसे ही देखा ना, फिर रोक ली गाड़ी उन्होंने, तो मैं समझ गया कि ये पक्के हरामी हैं, ये मोबाइल छीनेंगे, मारपीटे करेंगे और ले जाएंगे, भाग जाएंगे, क्योंकि इन्होंने गाड़ी की नंबर प्लेट भी 2 नंबर लगाई होती है, अपनी ओरिजिनल नंबर प्लेट नहीं होती इनकी। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से मोटरसाइकिल भगा दी, यहाँ मैं अंदर आया इस तरफ, तो वो मेरे पीछे पीछे थे, तो यानी कि उनका पक्का इरादा था कि ले के जाएँ, छीना छपटी करके जाएँ। मैं यहाँ से अंदर से घुमा तो वो पीछे पीछे थे, फिर जैसे वो आगे आया तो मैंने वापसी रिटर्न गाड़ी घुमाई, तो यहाँ से भाग के मैं आगे चला गया। आगे यहाँ पे एक फौजियों का अड्डा है, बेस बना हुआ है, वहाँ बाहर फौजी खड़े होते हैं, मैं वहाँ फौजियों के, यानी कि वो तो मेरे पीछे पीछे आ रहे थे, मैंने सोचा पुलिस स्टेशन तो करीब नहीं है और ये कॉल करने का भी मौका नहीं देंगे, तो बेहतर है कि मैं वहाँ पुलिस वाली, जो फौज वाली गाड़ी होती है ना आर्मी की, उसके पास जाकर खड़ा होता हूँ। वो मेरे पीछे पीछे थे, जब मैं आर्मी की गाड़ी के पास जाके रुका तो वो गाड़ी भगाई और भाग गई, तब जाके मेरी जान छूट गई। ये तकरीबन 20 मिनट में वाकया हुआ है, अल्लाह का शुक्र है बैल भी बच गए, सलामत रहा मैं, कुछ भी नहीं हुआ मुझे, तो मैं इस तरीके से महफूज रहा हूँ। अगर आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं सऊदी अरब में, खासकर याद में, तो कोई आपको रोके, खासकर लोकल गाड़ी वाला, आपने नहीं रुकना, अपने सीधे उनको इनकार करना, हम नहीं रुकते, गाड़ी चलाते रहना, आपने रुकना नहीं है, ये जहन में बात रखिएगा, वरना आपको लूटेंगे, मोबाइल छीनेंगे और चले जाएंगे। आपको आगाह कर रहा हूँ मैं, आज मेरे साथ सीन हुआ है, खासकर जुम्मा वाला दिन है, जुम्मे वाले दिन कोई इतनी आवाम भी बाहर नहीं होती, तो इसलिए एहतियात करें। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा उठाएंगे मेरे इस वाक़े से, मैं तो बच गया अल्हम्दुलिल्लाह। आज दुआ करता हूँ आप लोग भी बचे रहें, कोई ऐसा सीन ना हो, क्योंकि इनका दिमाग घुमा होता है, या तो कुछ पीपा के होते हैं ये, या ये होते ही आरामी चोरी चोर होते हैं, छीन के भाग जाते हैं, ऐसे लड़के जो होते हैं ऐसे गाड़ियों में आते हैं। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, याद रखिएगा, ख्याल रखें अपना।